पंजाब के राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री सोम प्रकाश जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री श्वेत मलिक जी, कार्यक्रम में जुड़े सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिवारजन, भाई और बहनों, पंजाब की वीर भूमि को, जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। मां भारती की उन संतानों को भी नमन जिनके भीतर जलती आजादी की लौ को बुझाने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं, वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंद डाला गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। भाई और बहनों, जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है। आज जो रिनोवेशन का काम हुआ है उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। यहां जो अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले इस स्थान पर पवित्र वैशाखी के मेले लगते थे। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वदा भला की भावना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। आजादी के 75वें साल में जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में
बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है, यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, कितना त्याग, कितना बलिदान, अनगिनत संघर्ष, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा नई ऊर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी। साथियों, हर राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखें, इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी है और आगे बढ़ने की दिशा भी देती है। जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। पंजाब के पश्चिमी और जिंदा परिश्रमी और जिंदा दिल लोग तो विभाजन के बहुत बड़े भुक्तभोगी रहे हैं। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है, इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोड़ों भारतीयों ने सही थी। साथियों, गुरुबानी हमें सिखाती है, सुखु होवे सेव कमाणिया, अर्थात सुख दूसरों की सेवा से ही आता है। हम सुखी तभी होते हैं जब हम अपने साथ साथ अपनों की पीड़ा को भी अनुभव करते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीश पर रखकर भारत लाए हैं। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से प्रयास किया है। मानवता की जो सीख
हमें गुरुओं ने दी थी उसे सामने रखकर देश ने ऐसी परिस्थितियों से सताए हुए अपने लोगों के लिए नए कानून भी बनाए हैं। साथियों, आज जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या मायने होते हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र के रूप में हर स्तर पर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। इसलिए आज जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र की बुनियाद को मजबूत करें, उस पर गर्व करें। आजादी का अमृत महोत्सव आज इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अमृत महोत्सव में आज गांव गांव में सेनानियों को याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश में जहां भी आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव है उनको सामने लाने के लिए एक समर्पित सोच के साथ प्रयास हो रहे हैं। देश के राष्ट्र नायकों से जुड़े स्थानों को आज संरक्षित करने के साथ ही वहां नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। जलियांवाला बाग की तरह ही आजादी से जुड़े दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी है। इलाहाबाद म्यूजियम में 1857 से लेकर 1947 की हर क्रांति को प्रदर्शित करने वाली देश की पहली इंटरैक्टिव गैलरी, इसका निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को समर्पित यह आजाद गैलरी सशस्त्र क्रांति से जुड़े वहां उस समय के दस्तावेज, कुछ चीजें, उसका भी एक डिजिटल अनुभव देगी। इसी प्रकार कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी के में भी क्रांति के चिन्हों को भावी पीढ़ी के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक बनाया जा रहा है। इससे पहले सरकार द्वारा आजाद हिंद फौज के योगदान को भी इतिहास के पिछले पन्नों से निकालकर सामने लाने का प्रयास किया गया है। अंडमान में जहां नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया उस स्थान को भी नई पहचान दी गई है। साथ ही अंडमान के द्वीपों का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, आजादी के महायज्ञ में हमारे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जनजातीय समूहों ने त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। इतिहास की किताबों में इसको भी उतना स्थान नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। देश के 9 राज्यों में इस समय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को दिखाने वाले म्यूजियम पर भी काम चल रहा है। साथियों, देश की ये भी आकांक्षा थी कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। मुझे संतोष है कि नेशनल वॉर मेमोरियल आज के युवाओं में राष्ट्र रक्षा और देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना जगा रहे हैं।
देश को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब सहित देश के कोने कोने को जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, आज उनको उचित स्थान और उचित सम्मान मिला है। इसी प्रकार हमारे पुलिस बेड़े के लोग, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए भी आजादी के इतने दशकों तक देश में कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। आज पुलिस और अर्धसैनिक बलों को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक भी देश की नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, पंजाब में तो शायद ही ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई गली है जहां शौर्य और सुरवीरता की गाथा न हो। गुरुओं के बताए रास्ते पर चलते हुए पंजाब के बेटे बेटियां मां भारती की तरफ टेढ़ी नजर रखने वालों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी ये धरोहर और समृद्ध हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव हो, या फिर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव हो, ये सभी पड़ाव सौभाग्य से बीते 7 सालों में ही आए हैं। केंद्र सरकार ने प्रयास किया है कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन पावन पर्वों के माध्यम से हमारे गुरुओं की सिख का विस्तार हो, अपनी समृद्ध धरोहर को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम लगातार जारी है। सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम हो, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। पंजाब की दुनिया के अलग अलग देशों से एयर कनेक्टिविटी हो, या फिर देश भर में जो हमारे गुरुस्थान है उनकी कनेक्टिविटी हो, उसको सशक्त किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, कठखड़ कला, कलानौर, पटियाला हेरिटेज सर्किट को विकसित किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारी ये समृद्ध विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित भी करती रहे और पर्यटन के रूप में रोजगार का साधन भी बने। साथियों, आजादी के ये अमृतकाल पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अमृतकाल में हमें विरासत और विकास को साथ लेकर चलना होगा और पंजाब की धरती हमें हमेशा हमेशा से इसकी प्रेरणा देती रही है। आज ये जरूरी है कि पंजाब हर स्तर पर प्रगति करे, हमारा देश चहुं दिशा में प्रगति करे। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ साथ हमें काम करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जलियांवाला बाग की ये धरती हमें हमारे संकल्पों के लिए सतत ऊर्जा देती रहेगी और देश अपने लक्ष्यों को जल्द पूरा करेगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर इस आधुनिक स्मारक की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।